धीरे धीरे खोल खोल के बोलना जिससे उसका एक इम्पैक्ट आए। अभी समझ बता, सकता हूँ भाई, आप आईपीएस ऑफिसर हैं, आप वाकई में बहुत शब्दों को समझ के या तोल तोल के बोलेंगे या इम्फोसाइज करके बोलेंगे, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन वो मजा नहीं आता है। आप एक फ्लो में बोलते नहीं रहते देखिए, उसकी जो रीडेबिलिटी होती है, जो दूसरे व्यक्ति को समझने के लिए ज्यादा अच्छा समय मिलता है, वो शब्द उसके ऊपर इम्पैक्ट डालते हैं। अब ये मैं इसका बताइए, मनम ये जो राजनेता हैं, इनमें से अधिकांश अनपढ़ गवार, अपराधी, बाहुबली और अपने सही आकाओं की कुसंस्कारित औलादे हैं। बात है। यदि सही मायने में देखा जाए तो इनमें से 80-90% लोग जो है चपरासी बनने की योग्यता नहीं रखते हैं। अच्छा नहीं है, सही बात है, उनके आका तक नहीं है भाई, उनके जो आका है वो तक बनने के लायक नहीं है, मतलब चपरासी बनने के लायक नहीं है। तो अरे आप इसके ऊपर आप बात करोगे ना मेरे से तो पूरा दिन निकल जाएगा। ये बहुत लंबी सिस्टम को लेके और इन हरामी कमीने लोगों की बातों को लेके अगर आप बात करने जाओगे ना तो इस पर तो मैं आपसे 24 घंटे बात कर सकता हूँ, तो इनको जरा अभी साइड में रख दो। ये माँ साले फालतू लोग है, मतलब खून नहीं खौलने लगता नहीं है, नहीं मुंह में नहीं गालियां नहीं आने लगती नहीं है। ये फालतू लोग हैं तो आपके कानून के निर्माता और भाग्य विधाता क्यों? क्या कर सकते हैं यार, क्या कुछ, देखिए कुछ कर नहीं सकते। देखिए इसके दो ही ऑप्शन है, या इसके लिए या तो फिर वो हर बंदे को अपने सर पे कफन बांध के बाहर निकल के इनके सरों पे बैठ के इनके ऊपर इनकी मतलब अच्छे से मरम्मत धुलाई करनी पड़ेगी और इस देश से भगाना पड़ेगा। इसका केवल यदि फिर यही एक, यदि यदि ये सब ना करना पड़े, ना रोड पर देखिए आना। यार, जस्ट अ मिनट, हमने हाँ ऐसा सिस्टम बनाया है कि इनको बहुत आसानी से हम 2023 में 3 राज्यों में, मध्य जी प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में, जी और 2024 में पूरे भारतवर्ष में सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेता पराजित होंगे, जिसमें भाजपा, कांग्रेस, सपा, बसपा सभी सम्मिलित हैं, हाँ जिताएंगे तो और ये लगभग 100% पराजित होंगे। मैं इसमें कोई भेदभाव नहीं कर रहा हूं। तो हाँ, तो जिताएंगे किसको ये भी तो बताओ, किसको जिताएंगे अगर हम ये सबको ही हरा जीत, देंगे तो किसको। हाँ, मैं आपको बता रहा हूं, उसे जो हराने वाले लोग होंगे वो क्राइम फ्री भारत मिशन के चंद्रगुप्त होंगे, जो अभी चंद्रगुप्त बनने की प्रक्रिया में है, राइट? जी 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 बिल्कुल तो वो मैं आपको अभी 2 मिनट में कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, तो समझ गया मैं। आपको समझ में आएगा, क्योंकि ये अदृश्य चेहरे जैसे हैं जो अभी बन के उभरेंगे, जिनकी कर्मठता जो है सिद्ध होगी, और इससे बड़ा डेमोक्रेटिक और बिना खर्च का, बिना आंदोलन का, बिना गुलामों के नियम कानून तोड़ने का, बिना जो है गुलामों के जो कंडक्ट रूल हैं उनको बिना तोड़े ये व्यवस्था जमीन पर फलीभूत हो जाएगी, और सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेता पराजित होंगे, अधिकांश की जमानतें भी जब्त होंगी। इतना पावरफुल सिस्टम है। बढ़िया बढ़िया, आप मेरे को बस लिंक जरूर भेजिएगा, मैं सबसे जुड़ जाऊंगा। अभी अभी थोड़ा सा समझा दूं ना, जिससे कि आप सिर्फ मेरी बात पे विश्वास करने की बजाय आप उसे खुद हाँ अपने स्तर पर यदि समझेंगे तो जी आपका जी जी कमिटमेंट का लेवल बहुत हाई होगा, जी और मैं चाहूंगा कि आपकी ऊर्जा वो हाँ लगे। तो जी इसमें दो तरीके की भूमिकाएं हैं, एक सदस्य हाँ भूमिका है और दूसरा चंद्रगुप्ती भूमिका है। सदस्य भूमिका का कहने का मतलब है कि जो व्यक्ति ये चाह रहा है कि उसे अच्छा और परिवर्तित भारत तो चाहिए, हाँ उसे अंग्रेजों के जो नियम कानून, जो कि अंग्रेजों ने भारतीय गुलामों को उत्पीड़ित करने के लिए, अपमानित करने के लिए, उत्कंठित करने के लिए, शोषित करने के लिए बनाए थे, इन दुष्ट राजनेताओं ने आजादी का अमृत महोत्सव मना लिया 75 साल में, लेकिन आज भी उन नियम कानूनों को हमारे ऊपर थोप के रखा है। जी जिस व्यवस्था के तहत मुट्ठी भर अंग्रेज भारतीयों को भारतीयों के विरुद्ध उपयोग करते हुए भारतीयों को उत्पीड़ित करते थे, अपमानित करते थे और शोषित करते थे,
वही कंडक्ट रूल आप भी आज भी आपके ऊपर थोपे हुए हैं। गोरे अंग्रेजों की जगह एक